हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कॉलेज एंड कोर्स कैसे चेंज करना है। पहली बात हम बात करेंगे कि इसका पीआर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। पीआर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा अगर आप सब कुछ अच्छे तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन को समझने के बाद कर रहे हैं। अगर आपको पूरी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है और कुछ ना कुछ गलती ना करें, इसलिए मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। मे बी आपकी कुछ गलतियाँ इससे दूर हो जाएंगी, बट स्टिल यू कैन डू योर ओन रिसर्च एंड आई एम गोना गिव यू द लिंक्स बिलो एट द एंड ऑफ माय वीडियो। आई एम गोना टेल यू व्हाट टू डू इफ़ यू स्टिल वांट टू लाइक लुक अराउंड एंड सी व्हाट इज़ राइट फॉर यू। ओके, एंड पहले हम बात करेंगे कि आपको सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में, लेट्स से आप अपने कॉलेज में अभी पहुँचे हो, सबसे पहले अपने कॉलेज में जाओ, यूनिवर्सिटी में जाओ, वहाँ पे रजिस्ट्रार ऑफिस में जाओ और या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वहाँ जाओ एंड उनसे बात करो कि आई वांट टू चेंज माय कॉलेज, मैं कॉलेज चेंज करना चाहता हूँ, उसके लिए मैं इस कॉलेज में जाना चाहता हूँ, क्या मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। जो अगर आपने एक सेमेस्टर ऑलरेडी आप सेमेस्टर में इनरोल कर चुके हो, मे बी आप अपना जो सेम कोर्स है किसी और कॉलेज में वही वाला कंटिन्यू कर सकते हो। दैट्स ग्रेट, राइट? यू कैन ऑल्सो चेंज योर क्रेडेंशियल्स फ्रॉम वन कॉलेज टू अनदर। सो दैट मीन्स दैट अगर आपका कोई दो साल का डिप्लोमा है तो आपने एक सेमेस्टर एक कॉलेज में कर लिया, दूसरे वाले जो नेक्स्ट सेमेस्टर्स हैं, जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं, वो आप दूसरे वाले सेकेंड वाले कॉलेज में इनरोल कर सकते हो, राइट? बट अगर उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको दूसरे वाले कॉलेज में से मेक श्योर कि आप उसी वाले प्रोग्राम में अप्लाई करें। अगर आपको उसमें सीट मिल गई देन आपको आप अपने कॉलेज से जंप कर सकते हैं दूसरे कॉलेज में, और उसको उसके लिए आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हैं कि या नेक्स्ट सेमेस्टर मैं उस कॉलेज में जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर सीट मिल गई है, मेरी सीट रिजर्व हो गई है, मे बी यू नीड टू पे फॉर रिजर्वेशन ऑफ योर सीट इन द सेकेंड कॉलेज, है ना? आपको दूसरे कॉलेज में फीस भरनी पड़े मे बी, है ना? एंड आपने जब सीट रिजर्वेशन कर ली आप वहाँ से मूव कर सकते हैं। मेक श्योर कि उसमें कोई गैप ना हो, क्योंकि जो हमारा स्टडी परमिट होता है ऑब्वियसली वो टू एंड हाफ ईयर का होता है। अगर आप दो साल का प्रोग्राम लेके आ रहे हो तो वो पूरे पूरे टाइम का ही होता है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है, तो आपके पास इतना टाइम होता नहीं है। बट अगर आपका सेकेंडली कि सेकेंड ऑप्शन में बात करते हैं, सेकेंड ऑप्शन में क्या है कि आप जो हैं दूसरा कॉलेज में जाना चाहते हैं लेकिन आपको सेम वाला प्रोग्राम नहीं मिल रहा है, आपको अपनी स्ट्रीम जो है वो चेंज करनी पड़ रही है क्योंकि कॉलेज चेंज करना है। उसमें क्या होगा, अगर आपने पहले सेमेस्टर में चल रहे हो पहले वाले कॉलेज में, तो आपको वो सेमेस्टर कंप्लीट करना पड़ेगा, उसकी फ़ीस तो आपने ऑलरेडी पे कर रखी है, और मे बी वो कॉलेज वाले आई डोंट थिंक वो हाफ़ वापस करेंगे, वो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी और दूसरे वाले कॉलेज में से दोबारा से स्टडी स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा कि आपके 3-4 महीने जो जितने टाइम का भी सेमेस्टर वो चला जाएगा, टाइम वो काउंट नहीं होगा एंड आपको दोबारा से अपनी स्टडी दूसरे कॉलेज में स्टार्ट करनी पड़ेगी। अगर आपका उसके बाद आपके थोड़े लाइक स्टडी वीज़ा या स्टडी परमिट आपका ख़त्म हो रहा है, तो स्टडी भी जब ख़त्म होने वाले से 3-4 महीने पहले ही अपना स्टडी जो परमिट है एक्सटेंड करवा लेना अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। आप वेट नहीं करना, ध्यान रखना कि आपका स्टडी परमिट कब ख़त्म हो रहा है, तो उससे पहले ही आपको अप्लाई करना चाहिए। अगर आपने अप्लाई कर दिया देन यू कैन स्टे देयर। तो एंड ये हो गया आपका सेकेंड ऑप्शन। उसमें तो दोनों केस में ये है कि एक में तो आपको सेम कोर्स कंटिन्यू करने को मिल गया, दूसरे में आपको यह है कि आपने स्ट्रीम चेंज कर लिया और दोबारा से अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। उसमें मे भी आपको पहली बात आपके एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि आपने पहला कोर्स मिस किया, तो आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी दोबारा से, और जो कि आपने पहले वाले कॉलेज में भी सेकेंड फीस की भरनी थी, एंड मे भी आपको सीट रिजर्वेशन के लिए भी फ़ीस भरनी होगी। एंड तीसरी बात कि आपका मे बी स्टडी पीरियड जो परमिट है या स्टडी वीज़ा वो जल्दी एक्सपायर होने की चांसेस हैं, तो आपको मे बी एट दी एंड आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। उसमें एक और बात इम्पॉर्टेंट है कि जब आप अपना
कॉलेज दूसरे कॉलेज में जा रहे हो, चेंज कर रहे हो, तो मेक श्योर कि वो कंटिन्यू हो, उसमें कोई गैप ना आए. क्योंकि जब हम वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि आपने 2 साल फुल टाइम वर्क फुल टाइम स्टडी किया है ना, फुल टाइम 2 साल के लिए स्टूडेंट थे. अगर आप 1.5 साल के लिए भी स्टूडेंट थे ना तो आपको वर्क परमिट में प्रॉब्लम आएगी. 1.5 साल के लिए क्या मतलब, आपने या तो बीच में थोड़ा गैप कर लिया, तो मेक श्योर कि आपने कंटिन्यूस रखी अपनी स्टडी. उसमें ऐसा नहीं है कि आपने गैप नहीं लेना है, ऐसा नहीं करना है कि मेरे को इस मैंने नेक्स्ट सेमेस्टर की स्टडी करनी है, मैं अप्लाई कर रही हूँ दूसरे कॉलेज में, लेकिन मेरे को नेक्स्ट सेमेस्टर वहाँ पे कोई सीट अवेलेबल नहीं है, लेकिन उससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वाले में अवेलेबल है. पर पहले कॉलेज में आप सोच रहे हो कि ये सेमेस्टर कर लेती हूँ, नेक्स्ट सेमेस्टर मैं इसकी फ़ीस क्यों भरूँ और उसको भी नहीं भरूँगी क्योंकि वहाँ पे सीट अवेलेबल नहीं है, नेक्स्ट में तो नेक्स्ट टू नेक्स्ट में अवेलेबल है. तो आपने जो है आप सोच रहे हो कि शायद मैं नेक्स्ट जो अभी मैं पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर में मैं ना यहाँ पढ़ूंगी ना वहाँ पढ़ूंगी और मैं सिर्फ ऐसे ही काम करूंगी, तो वो अलाउड नहीं है यहाँ पे ऐसे. क्योंकि आप ऐसे ब्रेक नहीं ले सकते अनटिल अनलेस कि आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से स्केड्यूल्ड ब्रेक है. अगर वो स्केड्यूल्ड ब्रेक है वो आपको पता, उनको पता होती है, ठीक है, एम्बेसी को या इमिग्रेशन को या स्कूल से एम्बेसी का होता है अपना इमिग्रेशन का, ठीक है. तो आपको अगर कोर्स चेंज करना है या कॉलेज चेंज करना है, आपको बीच में कोई अपने आप से ब्रेक नहीं लेनी है. अगर आपको स्कूल की तरफ से छुट्टी है दैट्स ग्रेट, पर अपने आप से कोई ब्रेक नहीं लेनी है, ठीक है. तो यही था इसमें, आपको स्टडी परमिट अपडेट करने की शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको DLI नंबर अपडेट करना पड़ेगा जब आप कॉलेज चेंज करते हो, ठीक है. तो वो आपको CIC की वेबसाइट में मिलेगा, मैं आपको नीचे लिंक में दे दूंगी. एंड आप जो है अपनी यूनिवर्सिटी और कॉलेज में हमेशा इमिग्रेशन के कंसल्टेंट होते हैं या इमिग्रेशन की हेल्प के लिए कुछ लोग होते हैं जो आपको थोड़ी बहुत गाइड करते हैं. अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप उनसे पूछ सकते हैं जाके. पर बस मेरा यही था कि मेक श्योर कि आप ध्यान रखें कि आप जहाँ भी जा रहे हैं सेकंड कोर्स में, सेकंड कॉलेज में, आपको दैट्स फाइनल, यू नो यू गोना लाइक दैट प्लेस, यू नो यू गोना लाइक दैट कोर्स एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. एंड मेक श्योर कि उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होनी चाहिए. अगर आपको कंटिन्यू रखनी है अपनी स्टडी, अगर आपकी स्कूल की तरफ से छुट्टी आ रही है दैट्स ग्रेट, पर आप ऐसे 3-4 महीने की छुट्टी नहीं मार सकते. अगर आपको 2 साल का वीज़ा मिला है, आपको 2 साल फुल टाइम स्टूडेंट शो करना है किसी ना किसी तरीके. कॉलेज चेंज कर सकते हो लेकिन वो कंटिन्यूस होना चाहिए. अगर आपका हो भी गया दैट्स, आई कैंट से एनीथिंग बट यू शुडंट ट्राई टू डू दिस. दैट्स लाइक अ ग्रेट थिंग यू नीड टू नो, बिकॉज आपको तभी पता चलता है ये कि आपको 2 साल फुल टाइम स्टूडेंट रहना पड़ेगा जब आप वर्क परमिट अप्लाई करते हो. सो इस वीडियो में इतना ही कि आप कॉलेज कैसे चेंज कर सकते हैं. उसके लिए अगर आप कॉलेज चेंज करना है तो आपको जब दूसरे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगी तो आपको ID कार्ड मिल जाएगा, उसकी एक्सपायरी डेट भी होती है. वो सब चीज़ें जो है आपको ऑनलाइन जो CIC की वेबसाइट पे अपडेट करनी होगी जब आपको एडमिशन मिल जाएगी. ओके, सो दैट्स व्हाट यू नीड टू डू. एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी गोना टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाउ टू चेंज कोर्स इन अ सेम कॉलेज. ऑलराइट, एंड मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो. आई एम लिटिल सिक टुडे बट आई ट्राई टू मेक वीडियो. बट सो आई विल सी यू गाइस सून. बाय बाय.